जैसे एक एक तो पोल्ट्री वाला है और पोल्ट्री वैक्सीन और उसके प्रमाण प्रोडक्ट, एक दूसरा आप हेल्थ प्रोडक्ट भी उसके लिए करते हैं और लार्ज कैटल की वैक्सीन के लिए भी आप आ रहे हैं। हाँ पोल्ट्री जी वाला बिजनेस धीरे धीरे अब वो एक प्लेटो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो लार्ज कैटल उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है, तो उसके लिए क्या प्लान्स कर रहे हैं आप? देखिए, लार्ज एनिमल पॉपुलेशन इंडिया में, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से डिमांड काफी ज्यादा है। और अभी जैसे जैसे बड़ी डेयरी बढ़ रही है, दूध प्रोडक्शन का कारोबार बढ़ रहा है, तो ये काफी ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहा है। इसकी वजह से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में अगर डेयरी कैटल फार्म जाएंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। और हम ये देख रहे हैं दैट अगले कुछ 2-4-5 सालों में ये डिमांड ऑफ मेडिसिन फॉर कैटल विल गो अप बाय 20-30% ओवर व्हाट एनी वे द करंट डिमांड इज। और हमारा जो कि बिजनेस अभी बहुत छोटा है ये लार्ज एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स में, हमें लगता है कि ये बिजनेस काफी, एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं, शायद हम एटलीस्ट 50% ग्रोथ के बेसिस पे हम चले कई सालों तक अभी आगे जाते। अच्छा, जो अफ्रीका तंजानिया में आपकी यूनिट है वो ऑपरेशनल हो गई है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका एड्रेसेबल मार्केट कितना है जिसको आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं अफ्रीका वैसे में? एड्रेसेबल मार्केट जो अफ्रीका की है पूरी स्टडी हुई नहीं है, लेकिन अगर हम पूरा फुल 100% कैपेसिटी तक अगर हम प्रोडक्शन करें और हम बेचना शुरू करें तो हम खुद अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन, 200 करोड़ से ऊपर का हमारा टर्नओवर की एक्सपेक्टेशन है वहां से। और मार्केट तो हालांकि उससे बहुत बड़ी है। ओके, और प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है अफ्रीका के लिए, क्या क्या वहां पे आप शुरू करेंगे? और हम पहले पूरी वैक्सीन्स कर रहे हैं, पोल्ट्री वैक्सीन्स पे थोड़ा कम फोकस है जो कि हम यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। लार्ज एनिमल वैक्सीन पे कई डिजीजेस जो आज तक कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है, हमारा फोकस उसके ऊपर है। यानी आप एलएसडी की तरफ कह रहे हैं, लम्पिस की डिसीज वाली एल एस फील्ड में? डी तो एक डिजीज है, हम कुछ 15 या 16 डिजीजेस वहां पे हम एड्रेस करने वाले हैं। लम्पी स्किन डिजीज इज वन, अफ्रीकन हॉर्स इज अनदर डिजीज, पीपीआर, शीप पॉक्स, गोट पॉक्स, काफी डिजीजेस है। जहां जहां पे आपका निकुश गिरे। हाँ अच्छा, जी, जो सबसे बड़ा मार्केट है यूएस यूरोप का, उधर की क्या प्लानिंग है? यूएस यूरोप का हमारा अभी कोई फोकस एरिया में नहीं है, जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां पे ही हमारा फोकस है। और हम एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम फोकस इसी मार्केट पे करते रहेंगे। ओके, तो अभी आप इमर्जिंग पे फोकस करेंगे। अब थोड़ा सा नंबर्स पे बात करते हैं सर। आपका जो मार्जिन पिक्चर है पिछले, अगर आप 8-10 साल का देखें हाँ जी, तो 40% के आसपास था, वहाँ से अब गिरते गिरते 30% के आसपास आ गया है। क्या ये वो स्टेबल पॉइंट होगा या अभी और वोलेटाइल रहेगा? वॉलेटाइल वैसे तो नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, दूसरे लोग भी अंदर प्रोडक्शन कंपटीशन में आते जा रहे हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है, तो ये जो मार्जिन का सिलसिला है ये सभी पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी देखिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेंडर में भी हम पार्ट कर ले रहे हैं, जैसे पीपीआर वैक्सीन वगैरह, वहां पर हम काफी कंपेटिटिव रेट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज अ नेशनल नीड एंड फॉर द नेशंस कॉज, हम वहां पे काफी अच्छे दामों में वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है। और वैसे अगर देखा जाए ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी यह भी कोशिश है कि हमारे मार्जिन्स अभी मेंटेन रहे, हालांकि इससे अभी कम ना हो, वो हमारी बड़ी कोशिश है और लग रहा है हम इसमें सफल पा रहे हैं। लेकिन राजीव जी, अगर आप ज़्यादा टेंडर प्रोसेस में जाएंगे तो फिर मार्जिन तो कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? वहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा आपको, बट लेकिन टेंडर बिजनेस भी जो होगा वो वॉल्यूम एज अ रहोगा परसेंट, नहीं, एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ आवर टोटल बिजनेस विल नॉट कम टू मोर देन 10%, 15% से ज्यादा तो होगा नहीं, लेकिन 10, वो 15-20% बिजनेस तो फट करके बढ़ जाएगा ना हमारा। आई एग्री, लेकिन जो आपका, देखिए एक तो टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह थोड़ा सा उधर हिट लेंगे, दूसरा रॉ मटेरियल जो आपका है, आप सोया देखिए, मेज देखिए, वो प्राइसेस बढ़े हुए हैं, कमोडिटी प्राइसेस हाई जा रहे हैं,
तो अगले, अच्छा अगले 2 क्वार्टर में आप मार्जिन बताइए कैसे मेंटेन करेंगे। देखिए, हमारे वैक्सीन में, हेल्थ प्रोडक्ट्स में फार्मा रॉ मटेरियल है, और वैक्सीन में कोई ऐसे बड़े रॉ मटेरियल नहीं है, मीडिया वगैरह, जिसका प्राइसिंग काफी स्टेबल है। तो ये सोया के दाम बढ़े घटे, मेस के घटे बढ़े, हमको उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। और हम जो वैल्यू एडिशन करते हैं, अगर आप देखा जाए, हमारे ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, हम वो भी मेंटेन करते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारे मार्जिन, हम एटलीस्ट जो अभी है उसमें कोई गिरावट की हमें कोई संभावना नहीं दिख रही। यानी आप ये कह रहे हैं राजू जी कि 30% के आसपास आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मेंटेन इसको रख पाने में सफल होंगे, और एट द मिनिमम मिनिमम। और अफ्रीका आपका इस वक्त का फोकस एरिया है, जहां पे आप 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करना चाहते हैं, राइट सर? हाँ जी, यस सर, थैंक ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये यू। आउटलुक देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो कोवैक्सिन वाला है ये भी बड़ा बिजनेस आपके लिए साबित हो, जिससे कि इन्वेस्टर्स भी कमाई कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 के लिए, जहाँ पे आप अगला एक बढ़िया साल गुजारना चाहते हैं। थैंक यू जी। चलिए वापस मार्केट की तरफ लौटते हैं। 66.7 पॉइंट इस समय ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी फ्लैट सा कारोबार कर रहा है। गौरव, हेस्टर बायो का चार्ट अगर आप देखें, कंपनी अपने आप को बहुत प्रॉमिसिंग बता रही है कि वो आगे कोवैक्सीन से बड़ा इनको बिजनेस मिल सकता है, भारत बायोटेक के साथ जो टाई अप है, और अफ्रीका फोकस कर रहे हैं। स्टॉक ने बहुत अच्छा रनअप दिया है, लेकिन यहाँ से आगे जाने की गुंजाइश चार्ट पे बनती है क्या? देखिए, चार्ट सेटअप से खराब नहीं है, अच्छा चार्ट सेटअप है, लेकिन जो मोमेंटम इसमें शुरू होगा वो है 2650 2660 के ऊपर। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है तो इसका जो प्रीवियस हर्डल था वो पार हो जाएगा, और इसके बाद में जो नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल आ रही है आपकी वो 3000 3050 की आ रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए 75 पॉइंट्स, और 2660 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए तब आप बाय कर सकते हैं, 150 रुपये का स्टॉप लॉस और 400 रुपये का टारगेट। ओके, नहीं कितने का टारगेट बताया आपने? 3000, तीन तीन हजार हजार से 3050। 3050 टारगेट। ओके, अच्छा के नितिन जी एक ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। इन्होंने 82 रुपये में खरीदा है, 2000 शेयर हैं इनके पास। क्या ले बने रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या करना चाहिए रेन इंडस्ट्रीज में? इन तो बहुत नीचे प्राइस पे ले रखा है इन्होंने। बिल्कुल, बहुत अच्छी इनकी खरीदारी है, यहाँ पे फिलहाल आप बने रहिए। और जो इनके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉपर्स में दूंगा वो है 190 का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सस्टेन मूवमेंट हमको देखने मिला है, और अभी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, और अपसाइड यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा चार्ट सेटअप है, यहाँ पे आप बिल्कुल बने रहिए, 190 का इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। 190 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा, अगर उससे नीचे या उसके आसपास रहता तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से स्टॉक जो है घूम सकता है। अदरवाइज चूंकि आपने काफ़ी बेहतर प्रेजेंस पे ले रखा है तो आपके लिए एक अच्छी स्थितियाँ बनी। और चलिए, फ्यूचर में आने वाला है, इसका एक बड़ा फायदा ये है कि फ्यूचर्स में आने वाला, इसलिए इसमें आज एक बड़ी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। एक और फार्मा शेयर पे सर चर्चा करते हैं, लॉरस लैब पे। अगर लॉरस लैब पे आपकी नज़र हो गौरव, तो बताइए इस पे क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है? आज हल्की सी मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। देखिए, अगर मैं इसके डेली चार्ट देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा है कि इसमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, डबल बॉटम ब्रेकआउट इसमें हो रहा है, और अगर ये 545 के लेवल सस्टेन अगर हो जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 620 से 650 के लिए। तो यहाँ पे एक बार पोजिशन बनाई जा सकती है, लेकिन आपको मैंने कहा पोजिशन इसमें होना ज़रूरी है, मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं करूँगा, लेकिन मोमेंटम के सबसे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है स्टॉक। ओके, गौरव बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको याद दिला दें कि सीएनबीसी आवाज़ और एनएससी की जो मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की, उसी के तहत हम आपको समझाते हैं कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो जिन लोगों को कंप्यूटर की समझ है, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ठीक से समझते हैं, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट उनको ही चुनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी डिटेल्स के साथ ही ऑथराइजेशन लेटर ब्रोकर को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए गए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ अनसुलझा है, तो आप अपने नज़दीकी एनएससी इन्वेस्टर सेल से संपर्क कर सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। चलिए शो को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सुमित बिल्कुल तैयार हैं खिलाड़ी नंबर 1 के साथ।